इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि इफ 9 रेज टू पावर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 720 प्लस 9 रेज टू पावर एक्स है और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x रेज टू पावर 1 अपॉन x. हमें एक इक्वेशन दी है और वो इक्वेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, यानी कि उसकी कुछ टर्म लाइक 9 रेज टू पावर एक्स प्लस 2 एंड 9 रेज टू पावर x किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में, यानी कि पावर की फॉर्म में है. तो इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू को यूज करते हुए हमें 4x होल पावर 1 अपॉन x की वैल्यू भी फाइंड करनी है. तो ये कैसे करेंगे, ध्यान से समझना. सबसे पहले बच्चा जो सेम बेस वाली टर्म्स है ना, उनको हम LHS में ले लेंगे. लाइक पहले 9 रेज टू पावर x प्लस 2 लिखेंगे जो ऑलरेडी LHS में है, और जो ये प्लस 9 रेज टू पावर x है जो RHS में है, इसको शिफ्ट कर देंगे हम LHS में, और ये LHS में आने पे माइनस 9 रेज टू पावर x हो जाएगा. अब सेम बेस वाली टर्म एक साथ हो गई और RHS में क्या रहेगा, इज इक्वल टू 720. अब नेक्स्ट स्टेप में हम एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे. वो लॉ है a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, a रेज टू पावर m प्लस n. ओके, तो अगर बेसिस सेम हो और वो बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं. लेकिन बच्चा इस क्वेश्चन में जो हमें टर्म दी है ना, वो किस फॉर्म में, a रेज टू पावर m प्लस n की फॉर्म में है. जैसे कि 9 रेज टू पावर x प्लस 2 इससे मैच कर रही है ना RHS से, तो हमें इसको इस फॉर्म में लाना होगा, LHS वाली फॉर्म में, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की LHS वाली फॉर्म में. तो इधर m की जगह हमें x दिख रहा है और n की जगह 2 दिख रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 9 रेज टू पावर x मल्टीप्लाई बाय 9 रेज टू पावर 2. देखो इस फॉर्म में लिख दिया हमने इसको, और जो ये माइनस 9 रेज टू पावर x है इसको अभी हम एज इट इज कॉपी करेंगे, इज इक्वल टू 720. अब ध्यान दो बच्चा, इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में जो मैंने अंडरलाइन करी है टर्म्स, इनमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, एक जैसा क्या दिख रहा है, 9 रेज टू पावर x है ना कॉमन. यस सर, तो हम कॉमन ले लेंगे. जब हम 9 रेज टू पावर x कॉमन लेंगे ना, तो इधर लिखेंगे 9 रेज टू पावर x मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या रहेगा, एक तो 9 स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस का साइन. अब देखो बच्चा इधर 9x के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1 कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इज सेम नंबर. तो अगर हम 9 रेज टू पावर x को मल्टीप्लाई बाय 1 लिखते हैं ना, तो उसको हम 9 रेज टू पावर x ही मानेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी मल्टीप्लाई बाय 1 करने पे. तो अब ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, माइनस 1, क्योंकि 9 रेज टू पावर x तो हमने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 720. अब नेक्स्ट स्टेप, 9 रेज टू पावर x मल्टीप्लाई, अब 9 स्क्वायर क्या होगा, 81 माइनस 1 इज इक्वल टू 720. अब 9 रेज टू पावर x मल्टीप्लाई 81 माइनस 1 क्या होता है, 80 होता है, इज इक्वल टू 720. अब नेक्स्ट स्टेप में जो ये मल्टीप्लाई बाय 80 है ना बच्चा, इसको हम RHS में ले जाएंगे और RHS में जाने पे ये डिवाइजर में चला जाएगा. तो इधर हम लिखेंगे 9 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाय 80. तो ये 0 से 0 कटा और 72 को अगर हम 8 से कटिंग करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा. तो 72 डिवाइडेड बाय 8 इज 9. तो ये 9 अपॉन 1 आ गया. अब हमारी इक्वेशन क्या होगी, 9 रेज टू पावर x इज इक्वल टू इधर 9 आएगा, बिकॉज 9 अपॉन 1 था ना इधर, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज सेम नंबर. तो 9 डिवाइडेड बाय 1 को हम 9 लिख सकते हैं. अब ध्यान दो बच्चा, यहाँ पर जो RHS में 9 है, यहाँ पर कोई पावर नहीं है, तो हम कौन सी पावर मान सकते हैं, पावर 1 मान सकते हैं. अब इसके बाद अगर बेसिस सेम हो और बीच में इज इक्वल टू का साइन हो, टर्म्स के बीच में क्या हो, इज इक्वल टू का साइन हो, तो हम पावर को भी इक्वल लिख सकते हैं. सो हम लिखेंगे इक्वेटिंग द पावर x इज इक्वल टू 1. अब x की वैल्यू तो 1 आ गई, लेकिन हमें एक्चुअली किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, 4x होल पावर 1 अपॉन x की. तो इस एक्सप्रेशन को पहले हम कॉपी कर लेंगे और उसके बाद इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. लाइक 4x है तो 4 इंटू 1 हो जाएगा, और पावर में 1 अपॉन x है तो न्यूमिरेटर वाला 1 एज इट इज, और x की जगह भी डिनोमिनेटर में जो x है उसकी जगह 1 आ जाएगा. तो ये 1 अपॉन 1 हो जाएगी पावर. अब 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4, और 1 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है. तो इधर हो गया 4 रेज टू पावर 1, और एनी नंबर पावर 1 इज सेम नंबर. किसी भी नंबर की अगर पावर 1 होता ना, उसका जो आंसर होता है सेम नंबर होता है. तो 4 रेज टू पावर 1 को हम 4 लिख सकते हैं. तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया.